दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है प्रसार भारती की तरफ से। जी हां दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है प्रसार भारती रिक्रूटमेंट 2023, जिसे की 53 आउटपुट कोऑर्डिनेटर और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 50,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वही जॉब लोकेशन आपका दिल्ली न्यू दिल्ली होगी। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो एंकर के लिए 6 वैकेंसी है, वहीं सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के लिए भी 6 वैकेंसी है, बुलेटिन एडिटर के लिए 5 वैकेंसी है, आउटपुट कोऑर्डिनेटर के लिए 8 वैकेंसी है, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए 5 वैकेंसी है, कॉपी राइटर के लिए 6 वैकेंसी है, आर्काइवल असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी है, असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि कंटेंट प्रोड्यूसर और कंटेंट रिसर्चर के लिए 5-5 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैडेट्स ने डिग्री, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आर्काइवल असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएशन क्या होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर, कंटेंट प्रोड्यूसर और रिसर्चर की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन से कर रखा है, तो वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात की जाए एंकर, सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, बुलेटिन एडिटर, आउटपुट कोऑर्डिनेटर, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट और कॉपी राइटर पोस्ट की, तो इसके लिए भी आपका डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन से किया होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो एंकर के लिए आपको मिल जाएगी 1,00,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक की सैलरी, सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के लिए आपको मिल जाएगी 1,00,000 रुपए से लेकर 1,25,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, बुलेटिन एडिटर के लिए आपको मिल जाएगी 80,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, आउटपुट कोऑर्डिनेटर के लिए आपको मिल जाएगी 1,00,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए आपको मिल जाएगी 80,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी। वहीं अगर बात कर लेते हैं कंटेंट रिसर्चर पोस्ट की, तो इसके लिए आपको मिलेगी 40,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, जबकि बाकी अदर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 50,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 45 वर्ष या उससे कम है 20 मई 2023 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर पोस्ट वाइज आयु सीमा की बात करें, तो कंटेंट प्रोड्यूसर और कंटेंट रिसर्चर की आपकी आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए आपकी आयु 45 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। एप्लीकेशन फी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहीं सिलेक्शन प्रोसेस केवल टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 20 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 29 मई 2023 तक चलेगी। हो सकता है दोस्तों कुछ एक पोस्ट के लिए आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया, इसे आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर पाओगे। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट मैं बताऊं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।